मेरा नाम अनीता है, मैं एमए सोशियोलॉजी से कर रही हूँ। और क्या हमारे हॉस्टल में हमारी जो वार्डन है बिंदु मैम, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को विकलांग बच्चों को बहुत प्रताड़ित कर रही है। अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वो अगर थोड़ा भी लेट आने में हो जाता है तो वो हम लोग को यही कहती हैं कि क्या तुम किसी के साथ सो के आई हो। अगर हम लोग कहीं बीमार पड़ जाते हैं तब तो ये कहती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सब सुनकर हम सभी के सामने ये कहती हैं तो हम लोग अगर किसी के सामने फेस करते तो हम लोग को शर्म आ जाती है। इस और हम लोग को खाने के लिए बहुत खाने में कीड़े निकलते हैं। अगर हम लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो वो कहती हैं कि खाने में कीड़े, तुम लोग नॉनवेज समझ के खा लो, तुम लोग तो ब्लाइंड हो, तुम लोग को दिखता कहाँ है। ये सब और लड़कियों को इतना प्रताड़ित करती हैं, अभद्र व्यवहार करती हैं कि और क्या कहते हैं, मिसबिहेव करती हैं और किसी से अच्छे से बात नहीं करती हैं। हमेशा धमकी देती रहती हैं कि हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। बिना कपड़ों के अगर कोई लड़की तबियत अगर कि कोई लड़की नहा रही है, अगर कोई क्या कहते उठ नहीं पाती है, अगर कोई उसको केयरटेकर को बुलाया जाता है तो वो बोलती है कि किसी जैसे भी जिस अवस्था में हो, नंगी अवस्था में हो तो मेरे सामने लाया जाए। इसी तरह एक लड़की को उनके सामने पेश किया गया था। उस लड़की की आज वो समस्या है कि वो किसी के सामने फेस नहीं कर पाती है। ये तो शर्म की बात है। क्या कहते वो लड़की कैसे किसके सामने फेस करे। अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग कल से अमड़ा अनशन करेंगे। अगर प्रशासन हम लोग को रोकने का प्रयास किया तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं।